हवे जो समाचार विस्तार थी तो राज्य में ठंडी नो वधु एक राउंड शुरू थवानो छे अने हवामान विभागे आगामी पांच दिवस तापमान में घटाड़ो नोंधायो छे। 3-6 डिग्री तापमान घटवानी हवामान विभागे आगाही करी छे। भूज में कोल्डवेव की आगाही करवामां आवी छे। मोटा भागना शहरों में तापमान 9-10 डिग्री रहेवानी संभावना छे। अमदावाद अने गांधीनगर में पण तापमान 9 डिग्री की आसपास रहेवानी शक्यता छे। उत्तरायणना दिवसे भारे पवन साथे वातावरण ठंडू रहेशे। 14 अने 15 जान्युआरीए तापमान वधु गगड़शे तेवी हवामान विभागे आगाही करी छे। रहेगा बारिश होने का ज्यादा संभावना नहीं है पूरे गुजरात में। और टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर का फॉल होने वाला है अगले 3-4 दिन में। 3-6 डिग्री फॉल होने का संभावना है पूरे गुजरात में। टेम्परेचर फॉल रहेगा अगले 3-4 दिन में फॉल रहेगा। उसके बाद मोस्टली नॉर्मल चेंज रहेगा। और भूज यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेसेस में कोल्ड वेव हो सकता है 14-15 तारीख। केंद्रीय गृहप्रधान अमित शाह दरवर्षनी जेम आ वर्षे पण अमदावाद में ज पोताना परिवार साथे पतंगोत्सवनी मजा माणवाना छे अने आथी तेओ शुक्रवारे मोड़ी सांजे अमदावाद आवी पहोंचशे। उत્તરાયણના दिवस सवारे तेओ अमदावादमां जगन्नाथ मंदिरे दर्शने जशे। त्यारबाद વેજલપુરમાં पार्टी कार्यकरो साथे ઉત્તરાયણ मनावशे। बपोर बाद तेओ કલોલમાં પોતાના मत વિસ્તારમાં ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરવાના છે। તેઓ 15 જાન્યુઆરીએ ગાંધીનગર ઉત્તર વિધાનસભાના મોટી આદરણ ગામે ગામના વિકાસ અને પર્યાવરણ જાગૃતિ અંગે સરકારી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે। ઉત્તરાયણના બીજા દિવસે કચ્છ બોર્ડર પર સિક્યુરિટી ફોર્સના જવાનોની મુલાકાતનું પણ આયોજન થઈ રહ્યું હોવાનું માહિતી મળી રહી છે।